बरसर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद आज सदन में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिया इसके ऊपर एक बड़ा बयान, और उन्होंने कहा कि आपको सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है। देखिएगा मज़ीद तफसलात इस वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट हैदराबाद डेक्कन न्यूज़ के लिए मैं जुनैद बामजदूस। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय उपसभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठोर मेरठ उत्तर प्रदेश के एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दिए। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक एक और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फॉरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है, कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनंती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करे। धन्यवाद।